गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की हम ऑफलाइन क्लास में पार्ट 12 पढ़ चुके थे और उसमें हमने हिंदी की गिनती पढ़ी भी थी कि किस तरह के उन्होंने मोनू ने सोनू ने परी ने पंख इकट्ठे किए थे। तो अभी तक आपको हिंदी की गिनती पता नहीं होगी, अभी तक आप 11, 12, 13, 1, 2, 3 यही पढ़ते आए थे। तो पंख के अंक में हम सबसे पहले हम कठिन शब्द नोट करेंगे और आपको अभी लिखना कुछ भी नहीं है, केवल मेरे साथ बोलना है क्योंकि आपके लिए हिंदी की गिनती नए शब्द है। तो पहले हम इसको बोलेंगे, तो पार्ट 12 पंख के कठिन शब्द। और कठिन शब्द में भी देखिए हमारी गिनती ही है, गिनती है बिल्कुल क्रम से, काउंटिंग, जिसको हम इंग्लिश में काउंटिंग बोलते हैं, हिंदी में हम गिनती बोलते हैं। तो क्रम से ही पूरी गिनती है 11 से लेकर 20 तक। तो अब हम इसको बोलना कैसे है, ये आपके लिए नए है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम, देखिए आप बोलिए मेरे साथ 11, ये आधा ग है ना, इसको आधा ग पढ़ेंगे 11, पूरा बना 11 नहीं बोलना, 11 नहीं बोलना है ना, अशुद्ध होगा 11 बोलना, प्रॉपर पढ़ेंगे 11, क्योंकि आपने आपको बताया कि हम गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखेंगे, अगर हम प्रॉपर सही बोलेंगे, देखिए 11, अब लिखेंगे 12 बोलना, आप क्या बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, 12 नहीं बोलते, 12 कौन सा शब्द होता है, 12 है ना, शुद्ध शब्द है हमारा हिंदी का 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में आधा ना, इसलिए 19 नहीं बोलना है ना, कुछ कुछ बच्चे अशुद्ध कुछ अशुद्ध बोलते हैं, 19 क्या होता है, 19 एंड 20, ठीक। अब ये 11 को अब आप बोलोगे 11 मैम किसको बोलते हैं, 11 जो हम इंग्लिश में 11 बोलते हैं, 1, 1, 11 उसको क्या बोलते हैं, 11। तो ये हम गिनती आगे के एक्सरसाइज में हम प्रॉपर इसको पढ़ेंगे कि किसको 11 बोलते हैं, किसको 12 बोलते हैं, किसको 13, कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो मैं उनका क्लियर कर दूंगी आगे की क्लास में। अब कठिन शब्द के बाद हमारी बुक एक्सरसाइज है, तो उसके बाद हम बुक एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, ठीक। तो इसकी बुक एक्सरसाइज आप देखिए कलम की सवारी, तो मैं उसका वीडियो आपको भेजती हूँ। कठिन शब्द लिखने के बाद हम बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे बातों में, ठीक है। बातों में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं और जो नहीं गिनी जा सकती हैं उनके नाम बता, ठीक है। अब आप कौन कौन सी वस्तुएं गिन सकते हैं, आपकी पेन, पेंसिल, बुक्स, जो आपके पास अवेलेबल रहता है वो आप गिन सकते हैं, ठीक है ना। जो सामान रहता है, जो थिंग्स रहती हैं, वस्तुएं रहती हैं, वो हम गिन सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, थोड़ा सा कुछ आप आइडिया लगाएंगे। हम जैसे पानी, हम पानी को गिन सकते हैं क्या बेटा, नहीं ना, है ना, पानी तो बहता हुआ पानी, उस वो वस्तु थोड़ी ना होगी कि हम उसको गिन पाएंगे। हवा, हवा को गिन सकते हैं आप, नहीं ना, क्योंकि हवा कोई वस्तु है नहीं जो हमको दिखती है, ठीक, कि जो अलग अलग टाइप में दिखती है, जैसे हवा आपको नहीं दिखती है, पानी, पानी बहता रहता है उसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसी और भी वस्तुएं होंगी जो कुछ होगा कि आप जो नहीं गिन सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। उसके बाद है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी की गिनती को अंग्रेजी में बोलकर बताएं। तो ये हमने कठिन शब्द में भी लिखा था, जैसे 11 को क्या बोलते हैं बेटा, 1, 1, 11। उसके बाद 11 के बाद क्या लिखा था हमने, 12 को क्या बोलते हैं बेटा, 1, 2, 12। फिर 3 नंबर पे क्या था हमारा, 13 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 1, 3, 13। 4 नंबर पे था हमारा 14 को बोलते हैं, 1, 4, 14। उसके बाद था हमारा 15 को बोलते हैं,
15, 15। उसके बाद था 16, 16 को बोलते हैं 16। आ रहा है आपको समझ में? फिर 16 के बाद क्या लिखा है हमने? 17, 17 को बोलते हैं 17। उसके बाद है 18, कौन सी गिनती लिखी हिंदी में हमने? 18 को इंग्लिश में बोलते हैं 1 and 18। फिर है 19, मैंने बोला था उसको 19 नहीं, 19 अशुद्ध शब्द है, 19, 19। उसके बाद है 20, 20। तो ये हमारी, हमने हिंदी की गिनती को अंग्रेजी में बोला है, तो इसको हम आगे से लिखकर भी सॉल्व करेंगे बेटा, अभी आपको केवल इतना ही समझना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, पंख के अंक नाटक का कोई नया नाम बताएं और उसका कारण भी दें, ठीक है? कि जो पंख के अंक हैं, तो हम उसको उस चैप्टर का नाम हम दूसरा भी दे सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो आप रहने दीजिए, दो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके बाद की एक्सरसाइज हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक बेटा? आप केवल शब्दार्थ ही लिखेंगे, सॉरी शब्दार्थ नहीं, कठिन शब्द ही लिखेंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको बातों बातों में समझा दिए हैं। कलम की सवारी को हम कल सॉल्व करेंगे।